नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं रचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई एसएस सिहारा की, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद रुमान से मिली जानकारी के अनुसार, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड यूपी में फिर एक्टिव हो गया है। जिले में सभी थानों की एंटी रोमियो स्क्वाड टीम सक्रिय नजर आ रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड की ओर से स्कूल कॉलेजों, प्रमुख बाजारों, कस्बों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और पार्कों आदि स्थानों पर चेकिंग कर मंचलों को चेतावनी दी गई। बता दें कि शासन और प्रशासन के आदेश पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के उद्देश्य से एंटी रोमियो स्क्वाड की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साथ ही उनकी ओर से महिलाओं बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया, जिसके तहत ही सिहारा थाने की एंटी रोमियो स्क्वाड टीम और मिशन शक्ति की इंचार्ज एसआई मीनाक्षी गुप्ता ने महिला कांस्टेबल टीम को साथ लेकर नगर में भ्रमण किया और गली नुक्कड़, बस स्टैंड और चौराहों पर खड़ी महिलाओं को मिशन शक्ति के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें शासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और महिलाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। साथ ही कोई भी समस्या आने पर तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को देने के लिए भी जागरूक किया। इस दौरान मिशन शक्ति की इंचार्ज एसआई मीनाक्षी गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया, ये मिशन शक्ति का प्रोग्राम चल रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है जी। इसमें हम महिलाओं बच्चियों को घर घर जाकर स्कूलों में जाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं ताकि वो अपने अधिकारों को पहचान सकें, अपने हक के लिए आगे आ सकें। उन्हें वुमेन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि उन्हें अच्छे से याद हो जाए और कोई उन्हें समस्या ना आए और वो अपनी समस्याओं को घर बैठे या थाने आकर जैसे उन्हें सहूलियत हो उसी के अनुसार अपना कार्य करवा सके। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।